संतान दात्री माता सिमसा मंदिर में शरद नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो गई है। एक अनोखा मंदिर है। मान्यता है कि इस देवी के मंदिर में निसंतान महिलाओं के फर्श पर सोने से संतान की प्राप्ति होती है। इस मंदिर को संतान दात्री मंदिर भी कहते हैं। सिमसा माता मंदिर के पास एक विशाल पत्थर बहुत प्रसिद्ध है। इस पत्थर को दोनों हाथों से हिलाना चाहो तो यह नहीं हिलेगा, और आप अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से इस पत्थर को हिलाओगे तो यह हिल जाएगा। संतान दात्री माता सिमसा मंदिर में 7 अक्टूबर वीरवार से शुरू हो रहे शरद नवरात्रों के लिए मंदिर कमेटी ने पूरी तैयारी कर ली है। शारदा माता मंदिर कमेटी के प्रधान विनोद राय ने कहा कि मंदिर कमेटी ने एक बैठक की, जिसमें शारदा माता कमेटी ने प्रशासन के साथ चलकर यह निर्णय लिया है कि धरने में बैठने वाली महिलाओं को बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर में लंगर की व्यवस्था भी नहीं की जाएगी। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बीमार व्यक्तियों तथा बुखार व जुकाम के लक्षण होने पर मंदिर आने से परहेज करने के लिए कहा है, और उन्होंने जनता से अपील की है कि दर्शनों के लिए एक एक करके माता सिमसा के दर्शन करें, साथ ही में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। सर्वप्रथम तो मैं विनोद कुमार मंदिर कमेटी प्रधान सिमस आप सबको कल से शुरू होने वाले नवरात्रों की शुभकामनाएं हो। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी श्रद्धालुओं पर बना रहे, ये माता रानी से मनोकामना और प्रार्थना करता हूँ। मंदिर कमेटी इस बार भी जैसे कि ये कोविड के चलते हुए जो नियम सरकार की जो SOP थी उसी के तहत जो है इस बार भी कार्यप्रणाली अपनी कर रही है कि मंदिर में धरने पर कोई भी महिलाएं जो है वो नहीं पड़ेंगी। भंडारे जो है वो इस बार भी बंद रखे गए हैं ताकि इस कोविड को बढ़ावा ना दिया जाए। साथ ही श्रद्धालु जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने हाथों को सैनिटाइज करते हुए और माता रानी के मंदिर परिसर में अपने माथा शीश नवाएंगे, माथा टेकेंगे और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बाहर निकल जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में किसी को भी जाने की, पुजारी के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति जो है नहीं दी जाएगी। साथ ही लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जिस किसी को भी कोई बुखार या कोई ऐसे लक्षण दिखें तो वो मंदिर में कृपया करके ना आए। और साथ ही मंदिर में जो मंदिर कमेटी की ओर से जो व्यवस्था की गई है उसमें थर्मल स्कैन लगा हुआ है, थर्मल चेकअप होगा हर बंदा, साथ ही सैनिटाइज किया जाएगा और एक सेंसर सैनिटाइजर भी लगा हुआ है जिसका लोग श्रद्धालु स्वयं भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मंदिर कमेटी जो है जो मंदिर की परिसर है उसको दिन में 2 बार जो है वो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से सैनिटाइज भी करती रहेगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि स्वस्थ रहें, मंदिर आएं, माथा टेकें और खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें, साथ ही मंदिर परिसर में कोई भी गंदगी ना डालें। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए जोगिंदानगर से अनीता कुमारी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोइंग मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goingmotor.com पर।